अथापिते देव पदाम्बुजोद्वयं प्रसाद लेश अनुगृहीत एव हि जानाति तत्यं भगवन् महिम्नो न च अन्य एको योपि चिरं विचिन्वन्नो अथापिते देव पदाम्बुजोद्वयं प्रसाद लेश अनुगृहीत एव हि जानाति तत्यं भगवन् महिम्नो न च अन्य एको योपि चिरं विचिन्वन्नो। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में गुरु दर्शन करना जरूरी है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, हर व्यक्ति और हर वस्तु में गुरु दर्शन करना जरूरी है। गुरु दर्शन का विपरीत दर्शन है लघु दर्शन। गुरु दर्शन का विपरीत दर्शन है लघु दर्शन। लघु दर्शन का मतलब एंजॉयिंग मोड, भोग वासना लेके है, भोग प्रवृत्ति लेके जो दर्शन करना, यह है लघु दर्शन है। और हर वस्तु में गुरु दर्शन करने का मतलब है हर व्यक्ति हर वस्तु गुरु सेवा का भगवत सेवा का उपकरण है। हर वस्तु में गुरु दर्शन है मतलब हर वस्तु में जो उसका जो कीमत है सारे भगवत सेवा का उपकरण है आइटम। आश्रय जाति को गुरुवर्ग प्रभुपाद कह रहे हैं, आश्रय जाति को गुरुवर्ग अलग अलग रूप पकड़कर, डिफरेंट मूर्ति पकड़कर हमको दया करने के लिए हमारा सामने उपस्थित है। हम अधपति जीव है, हम अधपति जीव है, हमको रक्षा करने के लिए गुरुपाद पद्मों आश्रय जाती गुरुवर्ग तरह तरह का मूर्ति पकड़ कर मेरा सामने उपस्थित है मेरे को बचाने के लिए। और ये सब जो है, जैसे प्रभुपाद अपना आविर्भाव तिथि में जो पुष्पांजलि देने के लिए शिष्य लोग आए हैं, प्रभुपाद जी अभिभाषण में कह रहे हैं, ये सब मेरा गुरुवर्ग है, मेरा सामने उपस्थित है, अलग अलग रूप पकड़ कर मेरा सामने उपस्थित है मेरे को गुरु सेवा का सुयोग देने के लिए, गुरु सेवा का महलत देने के लिए, सुयोग देने के लिए उपस्थित है मेरा सामने। ये सब दिव्य ज्ञानदाता गुरु पाद पद्म का प्रकाश है। जैसे अलग 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 शीशे में आदर्श, संस्कृत में बोलता है आदर्श, आईने, भिन्न भिन्न जगत गुरु का प्रतिबिंब, जैसे आदर्श में अलग अलग आदर्श रहे तो गुरु जी का एक एक शीशे में एक एक मूर्ति दिखाई पड़ेगा, एक ही गुरु पात्र ये जगत गुरु प्रतिबिंब। ऐसा बताया कि हर वस्तु में जैसे कि लगे कि मेरा गुरु जी का ही प्रतिबिंब प्रतिफलित है, हर वस्तु में प्रत्येक वस्तु हमारा गुरुपाद, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक वस्तु में मेरा गुरुपाद पद्म प्रतिफलित। और आश्रय जाती कृष्ण, जो आश्रय जातीय कृष्ण है, सेव्य वस्तु कृष्ण है, आश्रय जातीय, ये आश्रय जातीय कृष्ण आधा और विषय जातीय आश्रय जातीय कृष्ण मतलब गुरुपाद पद्म आश्रय जातीय और
विषयजतीय पूर्ण पतित कृष्ण और आश्रय जतीय पूर्ण प्रतिति, ये दोनों कुल मिला के पूर्ण दर्शन होता है। ऐसा करके हर व्यक्ति हर वस्तु में गुरु दर्शन करना जरूरी है। इसका बारे में गीता जी में चर्चा हो रहा है, पहले भी बताया 7 नंबर अध्याय पे 9 नंबर श्लोक, पुण्य गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्येषु, ये चर्चा हो गया था। यहाँ तक बीजं मं सर्वभूतानं विद्धि पार्थो सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजो तेजस्मि नाहम तेजस्मि नामहम, हर वस्तु में मैं हूँ, सब चीजों का मूल है। हे पार्थो, सर्वभूतों में मेरे को सनातन बीज बोल के समझ लेना, और बुद्धिमानों का अंदर में जो बुद्धि है वो मैं बुद्धि हूँ। यहाँ बुद्धिमान कौन है, हर व्यक्ति सोचेगा तो महाराज बोला बुद्धिमान जो है वो बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ। मायादेवी का प्रभाव से जो बुद्धि चलता है वो तो भगवान के ही है इनडायरेक्टली, लेकिन इसका उत्तर भगवान ने 11 स्कंद में दे दिया। ऐशा बुद्धिमताम अस्मि बुद्ध, ये जो श्लोक बताया था मुनि सीचा, ये जो श्लोक बताया था इसमें ये अनित्य जगत में अमृत प्राप्त करने के लिए जिसका अंदर में प्रयास प्रचेष्टा है, मतलब जिसका बुद्धि सतीमती, असतीमती और सतीमती दो किस्म का होता है, सतीम मुमुक्षुर मतिम सतीम यच्छति वासुदेव है, सतीमती अर्थात भगवान का भजन करने के लिए जो मति है, ये जो बुद्धि है विशेष करके तो भगवान का ही प्रेरणा है। सो वास्तव बुद्धिमान भगवान बताएं, ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनाम जत सत्यम अनृत्य नेह मरते न अपनति अमृतम, ये श्लोक हो बुद्धिमान बता दो। यहाँ भी वही विचार लगाना चाहिए जो श्लोक देके शुरुआत किया था, ये ब्रह्मा जी स्वयं भागवत जी महापुराण में 10वें स्कंद में बता रहे हैं, अथा पिते देव पदाम्बुज दैव प्रसाद लेस अनुगृहित एव ही जानाति तत्यम भगवान महिम्नो न च अन्यो एको पिचिरम विचिन्मन। हे देव, जो लोग आपका जो चरणोदय है, आपका जो चरण कमल है, ऐसा कृपा लेस प्राप्त हुआ है, ये लोग आपका महिमा का बारे में जान सकता है। हे देव, जो लोग आपका चरण कमल का कृपा प्राप्त किए हैं, कृपा लेस प्राप्त किए हैं, एकमात्र वो लोग आपका महिमा जान सकता है, बाकी लोग जानकारी उसको, जितना भी ज्ञानी हो बाहरी दृष्टि में शुष्क ज्ञानी ड्राई ज्ञानी शुष्क ज्ञानी, आपका तत्व के बारे में किसी को जानकारी होना संभव नहीं है। और जो लोग पूरा जिंदगी चैलेंज लगा के प्रयास प्रचेष में लगे हुए हैं कि भगवान को हम जान लेंगे, जो लोग बहुत समय तक अपना अनुमान अंदाजा लगा के शास्त्र विचार करके आपको जानने का कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों में एक आदमी भी आपका तत्व जानकारी नहीं पा सकता है, प्राप्त कर सकता है। इन लोगों में कोई भी आदमी आपका बारे में जानकारी को प्राप्त नहीं कर सकता है। अथापिते देव पदाम्बुज दयो
प्रसाद लेश अनुग्रहित एव ही जानाति तत्यम भगवन महिमनो न च अन्यो एको अपि चिरम विचिन्मनो। इसका मतलब चैतन्य चरितमित में महाप्रभु जी ने बताया, या ये जो महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया था, और ये जो प्रमाण है ये सार्वभौम भट्टाचार्य का सामने उसका बनुई जो है गोपीनाथ आचार्य बता रहे। अनुमान प्रमाण नहे ईश्वर तत्व ज्ञाने, अनुमान प्रमाण नहे ईश्वर तत्व ज्ञाने, जितना भी अंदाजा लगा लो लेकिन ये पक्का प्रमाण नहीं है। अंदाजा तो अंदाजा ही है, और अपराकृत विषय में अपना अंदाजा अंदाजा लगाना, अपना विचार विचार लगाना, विचार बुद्धि लगाना, ये निषेध है। मेटेरियल विचार बुद्धि अचिंता अचिंता खलु जे भावा न त्वांग स्तर्के न जो जोयत प्रकृतिभ्यो परम जच्च तद अचिंतस्य लक्षणम्। भगवत वस्तु अचिंत वस्तु है, इसमें अंदाजा लगाना निषेध है, एजम्पशन तर्क लगाना निषेध है। इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य जो को गोपीनाथ आचार्य जो कह रहे हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं ईश्वर तत्व ज्ञान है। ईश्वर तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अनुमान काफी नहीं है, अनुमान प्रमाण नहीं है। कृपा बिना ईश्वर तत्व केहो नहीं जाने, जिसका ऊपर कृपा हुआ है वही जान सकता है, बाकी आदमी नहीं जान सकता। और जितना भी पंडिताई प्रकाश करे, जितना ही मेटेरियल एडुकेशन व्याकरण हो कुछ भी हो, पंडिताद्य ईश्वर तत्व ज्ञान कबू नहीं। पंडिताद्य अर्थात पंडितों के द्वारा भगवत तत्व विज्ञान जानना किसी भी हालत से संभव नहीं है। जो भी है इधर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, बीजम मम सर्वभूतानां विद्धि पार्थो सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्मि नामहम। सर्वभूत में बीज रूप में मैं हूं, हर जगह 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 भगवद गीता में भगवान ये बात को खुलासा किया। जैसे सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये भी बताएं 15 नंबर अध्याय में आएगा, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः श्रीति ज्ञानम अपहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव विद्य वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः श्रीति ज्ञानम अपहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव विद्य वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। वेद विदेवो चाहम, वेदवेत्ता मैं हूं, सर्ववेद का वेद वस्तु मैं हूं, और बद्ध जीव का हृदय में मैं बैठा हुआ हूं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो परमात्मा का रूप में, एंड मत्तः मतलब हमसे जीवों का जितना सारे कर्म फल का अनुसार जो श्रुति और ज्ञान जन्म लेता है ये भी मेरे से ही होता है, मेरे से मत्तः, मेरे से ही जीवों का जो श्रुति है पूर्व कर्म फल का अनुसार श्रुति और ज्ञान जन्म लेता है, और मरने का टाइम में ये जो श्रुति और ज्ञान का लोप है, लोप मतलब मृत्यु, मृत्यु का नाम है मृत्युर अत्यांतिक विस्मृति। अगर कोई अगर पूछा जाए मौत किसको बुलाया जाता है, मौत क्या चीज है, वास्तव चीज तो ये है मौत बोल के कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि आत्मा का मृत्यु बोल के कोई चीज है नहीं। अजो नित्यो शश्वत यम न हन्नते हन्नमाने शरीरे,
आत्मा को भी मरता ही नहीं, जन्म भी लेता नहीं, इसका कोई निर्विकारी विकारी शुद्ध ज्ञानमय वस्तु, आनंदमय वस्तु, प्रकाशमय वस्तु, सारे आत्मा का बारे में ये सब बताया। तो मृत्यु किसको बोला जाता है? मृत्यु के बारे में बताया, मृत्यु अत्यांतिक विस्तृति, अर्थात ये जो जिंदगी हम गुजर रहे हैं, मौत आने के साथ साथ इसका पूरा विस्तृति हो जाता है, कनेक्शन तोड़ जाता है, तोड़ के फिर नया जो जोनी प्राप्त हो अपना कर्मफल के अनुसार, वहां जाके उसका जो स्मृति और ज्ञान प्रकाशित होता, लेकिन पहला जन्म का कोई स्थिति नहीं रह सकता। और कोई अगर भगवत भजन करे, भगवत सेवा करे, इस विषय में जो नॉलेज, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, शास्त्र में बताया कि इस ज्ञान का कोई नाश नहीं, ये नाशवान ज्ञान नहीं है, ये फिर पूर्व जन्म में जैसे भगवत भजन किया है उसका बारे में जो स्मृति है, ये पुनः प्रकाशित हो जाएगा बाद में, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टेंस। जैसे गजेंद्रो इंदुब्दुन महाराज, गजेंद्र जी गोदन जी, गजेंद्र जी महाराज को प्रकाश हुआ था, गजेंद्र जी महाराज का प्रकाश हुआ, गजेंद्रो माने हाथी, इंदुद्युम्न महाराज, इसीलिए सम्मान देके मैं हाथी को भी सम्मान देता हूँ, क्योंकि ये तो इंदुद्युम्न महाराज है। इंदुद्युम्न महाराज जो हाथी जन्म लिया और इस टाइम पे सब भूल गया था, लेकिन समय के अनुसार जब बहिर्मुख दृष्टि छोड़कर चिंतन करने शुरू किए कि मेरे को कोई बचाने वाला आज नहीं है, कोई बचाने वाला मेरे को नहीं है, इतना प्रयास प्रचेष्टा हुआ है, सारे बेकार है, अब उसका झट से अंदर में याद आ गया पूर्व जन्म में जो प्राग जन्मानुशिक्षितम जजाप परमम जप्यम, जजाप परमम जप्यम प्राग जन्मानुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जो शिक्षा किया था, भजन किया था, थोड़ा भी किया सक्सेस नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, फिर भी इसका याद हो गया, जजाप परमम जप्यम प्राग जन्मानुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जो भजन का मंत्र का जो प्रभाव है वो याद हो गया, इसलिए मृत्यु अत्यंत की विस्तृति तो ठीक है, लेकिन कोई अगर वैष्णव है उसका जो भजन का प्रभाव है, सपोज करो सिद्धि नहीं हो पाई, फिर भी वो उसका याद हो जाएगा समय के अनुसार, उसका अंदर में पूर्व जन्म का याद नहीं हो, लेकिन प्रभाव से अंदर में चाहत पैदा होगा, हमको है भजन करना जरूरी है, और भगवान का ये वादा है वो उसका कभी विनाश नहीं होता, मेरा भजन का प्रभाव कभी विनाश नहीं हो सकता, अगले आगे आगे जन्म में उसको ठीक समय के अनुसार फिर प्रभाव पड़ेगा उसका ऊपर, वो फिर से ना सोचेगा कि भजन करना जरूरी है, ऐसा ये जरूर है, क्योंकि पहले ही चर्चा किया था, भगवान इसका उत्तर भी दिया, और अर्जुन के तो ये भगवत जी के बेकार है कि खराब हो जाएगा, मानो कि वो सिद्ध नहीं हुआ, भगवान बोले नहीं, इसका विनाश प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि कभी भी थोड़ा बहुत भी भजन किया है इसका विनाश होना संभव नहीं है। हर वस्तु में गुरु दर्शन, इसका ये निराधार वाक्य नहीं है, हर वस्तु में जो गुरु दर्शन है, कोई कोई आदमी सोचता है कि ये संभव कैसे है, ये तो निराधार वाक्य है, निराधार नहीं है, शास्त्रों का ये पहली चर्चा किया हमने, प्रभुपाद भी कह रहे हैं हर वस्तु में गुरु दर्शन, मतलब इसका विपरीत है भोगमय दर्शन, लघु दर्शन, ये छोड़ के हर वस्तु में गुरु दर्शन मना, मतलब भगवत सेवा का उपकरण है, ये सोचना जरूरी है, इसीलिए बीजम मम सर्वभूतानाम विद्धि पर तो सनातनम, और ये भी
समझना जरूरी है। 11 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बलम बलवताम अस्मी काम राग विवर्जितम। ध्यान से सुनना, बलम बलवताम अस्मी काम राग विवर्जितम धर्मा अवरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभ। यहां बताएं बलम बलवताम अस्मि, अर्थात बलवान गणों में जो बल है वो मैं हूं, लेकिन एक कंडीशन है। हर बार जैसे कि कंस का अंदर में बल है, काम राग विवर्जित बल, ध्यान से सुनना, जिसमें काम राग ओरिएंटेड है, ये बल भगवान, ये तो इनडायरेक्टली भगवान का ही है, लेकिन विभूति का वर्णन में ये नहीं आएगा जरूर, समझा। अर्जुन का अंदर में जो बल है ये विभूति बता रहे भगवान, जे बलम बलवतामस्मि काम राग विवर्जित, क्योंकि काम काम रहे जहां काम तहां नहीं राम, रवि रजनी नहीं मिले एक ठाम। काम रहने से कंटामिनेशन हो गया। अब विभूति जितना सारे विभूति का वर्णन भगवान किए हैं वो विचार करके देखना, इसमें कोई काम है तो इनडायरेक्टली सारी भगवान का ही है। हमारा अंदर जो बल है, दुशासन का अंदर में जो बल था, भीम का अंदर में और दुर्योधन का अंदर में, तो सभी इनडायरेक्टली भगवान का ही है। तो यहाँ कहने का मतलब है बलम बलवताम अस्मि काम राग विवर्जितम, काम और राग, राग में आसक्ति किसी वस्तु में, उसमें उत्तर उत्तर ग्रेजुअली खिंचावट ज्यादा बढ़ते चले, राग काम राग विवर्जितम बलम बलवताम अस्मि काम राग विवर्जितम। तो भगवान कह रहे हैं कि हम जो है बलवानों का अंदर में जो बल है, जो काम राग विवर्जित बल, वो मैं हूं। और धर्म सम्मत, धर्म अविरुद्ध जो काम है ये कंटामिनेटेड काम है। धर्म सम्मत अप्रूव्ड, अप्रूव्ड शास्त्र में, ऑथेंटिक शास्त्र में जो अप्रूव्ड है, धर्म सम्मत जो काम है, हर काम बेकार है खराब है ये नहीं। लोगों का गलत फहमी है, जो विशेष करके जो डाई सूखा वैराग्य प्रदु वांछा कल्पतरु के पास इंद्र भविष्य पतितानन पावन भविष्ण भ्यो नमः।